अस्सलामुअलैकुम जी, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आज सुबह नाश्ता किया बगैर ही हम लोगों को एक काम के लिए निकलना पड़ गया। बहुत कसम से भूख लगी है, लेकिन पहले हमें जाना है उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार में कुछ काम है, दो तीन चीज़ें लेनी है, वो लेते हैं जाके। और फिर कुछ अल्लाह ने हमारे नसीब में नाश्ता किया तो वो नाश्ता करते हैं। तो चले अब चल रहे हैं जरा उर्दू बाज़ार। तो उर्दू बाज़ार जाके आपको मिलते हैं। A few moments later, ये अम्मा आ गया न्यू अनारकली। यहाँ भी एक छोटा सा स्टाफ था हमारा इस दुकान पे, और अंकल जी ने बाबा ही दुकान के ऊपर बैग लगाए हैं बच्चों के, लेकिन अभी हमारा इन बैगों से कोई तल्लक नहीं है। मुझे उर्दू बाज़ार तो अम्मा आ गए, लेकिन यहाँ पर रश ऐसा कि खड़े होने की जगह नहीं है। ठीक है, आवाम तो ऐसे आई है जैसे फ्री की चीज़ें बट रही है यहाँ पर। बाकी बस बंदे का इंतज़ार है, बंदा हमारा सामान लेके आ जाए तो उससे रिसीव करते हैं चीज़ें अपनी और चलते हैं वापस। तब तक पेंसिलें पुंसलें देख लेते हैं। 2 hours later भाई जान, उर्दू बाज़ार से सामान लेके अब निकल गए हम लोग, और अब ज़रा हम जा रहे हैं मून मार्केट मेन बुलेवार्ड पे है पिंड रेस्टोरेंट, और आपने भाई की है पिंड रेस्टोरेंट पे लंच की दावत। तो चलते हैं पिंड रेस्टोरेंट, वहाँ जा कर चेक करते हैं कि क्या है खाने छाने में, क्या है दावत पे, दिखाते हैं आपको वहाँ पहुँच के। तो ये जी आ गए हम लोग मेन बुलेवार्ड पिंड रेस्टोरेंट, चलते हैं देखते हैं क्या मेन्यू में है और क्या नहीं है, और दावत को एंजॉय करते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं। पिंड आते ही सामने आ जाता है एक्वेरियम, इधर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी मछलियाँ रखी हुई है, और मॉल भी इन्होंने ज़रा पिंड वाला बनाया हुआ है। तो चलते हैं बंदा, ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन अब ऑर्डर में लगेंगे 25 से 20 मिनट। तब तक अब बिली मारनी है, और वो स्कूल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पायलट स्कूल के ग्राउंड के अंदर। तो अब तब तक उन्हीं को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और ये मेरा भाई आ रहा है शीशा साफ़ करते करते नीचे, देखना कहीं भाई साहब गिर ही ना जाए, मेहनत कर रहे हैं। अब यही 25-30 मिनट ऐसे ही गुजारने हम लोगों ने, बिल्डिंग साफ कर रहे हैं ये भाई, और डर बिल्कुल भी नहीं रहे। 2 hours later ये हमारा ऑर्डर आ गया, जिसमें है ये हमारी मटन कढ़ाई, जो कि देखने में तो बड़े मज़ेदार लग रही है। साथ में हमने मंगवाए थे शीश तबूक, वो भी अच्छे लग रहे हैं। शीश तबूक के साथ आई है हमारी इमली वाली चटनी, और साथ में है ये तंदूरी नान और तंदूरी पराठा, और साथ में मेरा हमारा हायता। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, खाते हैं, जितना देखने में मज़े के लग रहे हैं उम्मीद करते हैं टेस्ट में भी मज़े के होंगे। लें भाई जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम पहले नवाले की, चेक करते हैं क्या टेस्ट है। कढ़ाई तो हमने टेस्ट कर ली है बड़े मज़े की, अब ज़रा शीश तबूक की बाड़ी लेके आते हैं, और ये साथ में इसकी है इमली वाली चटनी, इसको ट्राई करते हैं। और जैसे कि लग तो रही है बड़े मज़े की है भाई जान। भाई जान खाना शाना हमने खा लिया है, और खाने शाने की हालात देख के लग रहा है कि खाने शाने के साथ हमने बहुत ज्यादा काम शाम ख़त्म करके लंच से फ्री होके बस अब चल रहे हैं दुकान की तरफ। 4 बज गए हैं, लड़के भी वेट कर रहे हैं दुकान का, तो चलते हैं दुकान पे। दुकान पे जाके मिलते हैं आपसे। दुकान पे हम लोग आ गए हैं, बच्चा पार्टी भी पहुंच गई है। उफ गर्मी और ट्रैफिक ने आज तो दूध निकाल दिया हमारी। और चाचा आलू है, प्याज है, नहीं भाई सिगरेट आगे से मिलेंगे आपको, अगली दुकान से मिलेंगे यार। सिगरेट वाले भी आए हैं, सिगरेट हम नहीं रखते, बुरी चीज़ है अपनी दुकान के ऊपर। A few moments later ये हमारे एक दोस्त है जिन्होंने नई आइसक्रीम पार्लर बनाई है, जिसका नाम कोन एंड कप है, बिल्कुल शमा स्टॉप के ऊपर है, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में रखी है। और आज जो पहला दिन है इन्होंने सबके लिए जो भी आ रहे हैं उनके लिए फ्री रखा, तो हमें भी बुलाया इन्होंने, इनविटेशन दिया। तो चल के ज़रा इनका थोड़ा सा देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अंडा पार्टी हमारी सारी आ गई है ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर, यहाँ पर लेजेंड्स भी आए हुए हैं क्योंकि ये हमारे जानने वाले हैं, फ्रेंड है बड़े अच्छे, उनकी सेरेमनी है, दोनों ने हमें बुलाया और सारी लोना पार्टी पहुंच गई है यहाँ पे। तो अब चलते हैं फ्री में खाने आए, अब चलते हैं अंदर जाके देखते। ये चल रहे हैं हम अंदर, तो जाके देखते हैं इनका कि मेन्यू में क्या क्या है। डेकोरेशन तो बड़ी अच्छी है भाई की, तो बाकी अब चल के भाई का मेन्यू भी देखते हैं कि भाई ने मेन्यू किस तरह का बनाया है। जी हाँ जी भाई जान क्या हाल है, ठीक है आपके?
ये मेरे भाई ने मेन्यू बनाया है जिसमें स्मूथीज़ हैं, आइसक्रीम शेक्स हैं, ड्रिंक्स हैं, मिल्क शेक हैं, चिलर्स हैं, ब्राउनीज़ हैं ये तो, और साथ में यहाँ पे हमारे पास कोन आ जाती हैं, कप हैं, आइसक्रीम्स हैं, कोकोनट शेक है, स्पेशल खीर है और स्पेशल टी है। और ये हमारा सारा सेटअप है, तो आप लोग भी आएँ जल्दी। ये भजन कोन एंड कप के नाम से है, फैमिली के बैठने के लिए भी सिटिंग अवेलेबल है यहाँ पे, हर चीज़ चेयर्स वगैरह लगी हुई है। तो डेकोरेशन बड़ी अच्छी बनाई है इन लोगों ने, बस इंशाल्लाह इनके काम में इजाफा दे। बाकी अब इनका टेस्ट करते हैं, कोन खाते हैं और देखते हैं मेरे भाई ने टेस्ट कैसा रखा है कोन का। ये देखें, ये हमारा ममता यार है क्योंकि उसको पता है मैं फ्री की खाने आया हूँ, तो इस वो खा रहा है दो दो करके। बाकी अब ट्राई करते हैं इनको और टेस्ट करते हैं कि कैसी है, इनको बताते भी हैं। काम शाम सारे ख़त्म करके ओपनिंग से भी हो लिया, बस अब करते हैं व्लॉग को भी एंड, बस चल रहे हैं घर पे। तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए इस चैनल के लिए, और बस इसी तरह आप रोज़ अपना प्यार दिखाते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें जितना हो सकता है। तो कल तक के लिए शब्बा खैर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के अंदर। तो सब अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल।